मैं यूँ कहना चाहूँगा कि जब भी कोई शिक्षक स्कूल में जाता है तो गालिबा उसको साल 6 महीने में तो बच्चों की पहचान ही हो पाती है, उनकी हॉबीज़ को पहचानने में समय लगता है, उनके माँ बाप से संपर्क भी नहीं हो पाता जितनी जल्दी, और माँ बाप का क्या कारोबार है या किसी तबके से ताल्लुक़ रखते हैं, इन सबको समझने में काफ़ी समय की ज़रूरत पड़ती है। तो शिक्षण करने या कराने के लिए ज़रूरी है कि जो बच्चे हमारे पास पढ़ने आ रहे हैं उनको हम जब पढ़ा रहे हैं तो उसमें कई चीज़ें रुकावट बनती हैं, तो रुकावट बनने के कई कारण होते हैं, पारिवारिक कारण हो सकते हैं, सामाजिक कारण हो सकते हैं, आर्थिक कारण हो सकते हैं। तो अगर हम उनको या उनके परिवार को और समाज को समझ पाएंगे तो उन सारी चीज़ों का समन्वय करके तालमेल बैठा करके और उनको बेहतर शिक्षण दे सकते हैं, क्योंकि मूल्यांकन निरंतर भी चलता रहता है। जैसे हमने आज कोई शिक्षण करवाया किसी भी विषय का, तो हम शिक्षण के दौरान भी अपने कुछ सवाल पूछ सकते हैं बच्चों से कि जो कुछ हमने मान लीजिए पैराग्राफ पढ़ाया उसमें जो कुछ हमने पढ़ा दिया उसके बारे में जानने के लिए फौरी तौर पर हम सवाल कर लें बच्चों से, या उसके बाद में जो हमारा शिक्षण जो 45 मिनट के आसपास का एक पीरियड होता है उसके बाद हम जो है 35 मिनट पढ़ाया और 10 मिनट के अंदर हम उसका वापस एक मूल्यांकन कर सकते हैं सवाल में बच्चों से पूछ करके। एक तो ये तरीका होता है कि शिक्षण भी हो रहा है साथ में मूल्यांकन भी हो रहा है। इसके अलावा 15 दिन के अंदर या 8 दिन के अंदर कुछ सवाल कागज़ पर लिख करके और उनकी पर्चियाँ बना करके बच्चों को एक सर्कल में बैठा दिए, घेरे में बैठा दिए और वो सवाल वो डाल दिए बीच में बच्चों के, और किसी भी बच्चे से कहा कि बैठे पर्ची उठाओ और पर्ची उठा करके उसको खोलो उसमें क्या प्रश्न है और इसका जवाब जी। उसमें यह है कि शिक्षक का मूल्यांकन और शिक्षक जो विधि अपना रहा है उस विधि का भी जो है वो उसको मूल्यांकन हो रहा है कि मैंने जो तरीका अपनाया क्या वो तरीका कारगर था या इसमें कुछ बदलाव करने की या कुछ और चीज़ के समायोजन करने की आवश्यकता। मेरा तरीका ये रहता है कि मैं ज़्यादातर बच्चों का जो गणित में सवाल होते हैं वो ब्लैक बोर्ड पर करवाता हूँ बच्चों को बुला करके, और बच्चा अगर गलत कर रहा है तो पीछे से एक आवाज़ उठती है, एक शोर होता है कि हमारे साथ गलत कर रहा है, ये इसको पीछे बुलाओ मैं करूँगा। तो मैं कहता हूँ नहीं बेटे ये ही करेगा, जब मैं ये कहता हूँ कि बेटे ये करेगा तो बच्चे के अंदर एक आत्मविश्वास पैदा होता है कि गुरुजी ने मेरे ऊपर एक जो विश्वास जगाया है कि मैं उसमें खड़ा होकर करता हूँ नहीं करता हूँ। मैंने कई बार ऐसा देखा है कि बच्चा वास्तव में गलत कर रहा था और मेरे कहने के बाद में जब मैंने कहा कि यही करेगा तो उसमें बच्चे ने उस सवाल को खुद ने सवाल को सही करके और बच्चों के सामने एक उदाहरण पेश किया कि नहीं कर सकता। हम ये अपेक्षा नहीं कर सकते कि इतनी छोटी उम्र का बच्चा जो है 6-7 घंटे लगातार पढ़ता रहे या पढ़ा लिखता रहे, उसके मनोरंजन का ध्यान भी हम रखते हैं और खेल ज़रूर खिलाते हैं ताकि बच्चे में वापस एक ऊर्जा का विकास है, ऊर्जा वापस पैदा हो, और बच्चा जब घर जाता है तो हंसता हुआ जाता है, मेरा ये तजर्बा रहा है। और अगर हम क्रियाशील हैं, अगर शिक्षक में क्रियाशीलता है तो वो कुछ खेल इस तरह के बना सकता है कि हम विषय से उसको जोड़ सकते हैं। जैसे मैंने एक खेल बच्चों के लिए ये किया कि एक सर्कल बनाया और उस सर्कल में ज्यामिति आकृतियाँ जिसमें त्रिभुज है, आयत है, वर्ग है, वृत्त है, इस तरह के कई सारी आकृतियाँ बना दी और बच्चों को सर्कल के बाहर खड़ा कर दिया और उनसे जो है दौड़ने के लिए कहा। अब उनसे बच्चों से कहा कि भाई त्रिभुज में खड़ा होना है या आयत में खड़ा होना है या दो आकृतियों का एक साथ नाम बोल दिया, जो बच्चा इनमें खड़ा होगा वो तो खेल में बना रहेगा और जो बच्चा दूसरी आकृतियों में खड़ा हो जाएगा वो आउट हो जाएगा। तो इस तरह के खेल में बच्चों को बहुत आनंद आता था और उसमें हमारे शिक्षण भी हो रहा है और साथ में हमारी जो हमने जो कुछ पढ़ाया है उसका मूल्यांकन भी हो रहा है कि बच्चा त्रिभुज को समझ पा रहा नहीं पा रहा।